अच्छा अहम, कल हम देसाई साहब के प्रोजेक्ट पर फाइनल डिसीजन ले लेंगे। जी, तो कल सुबह जल्दी ही हम लोग ऑफिस निकल चलेंगे। नहीं मोटा भाई, अहम घर पर ही रहे वो ही अच्छा है। क्या हुआ कोकिला? अहम की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हो गया अहम? मैं अभी दवाई लाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। से थोड़ी सर्दी लग गई होगी, मौसम बदली हो रहा है ना। क्या महम दिख रहा? देखा, राशि दिख रहा? जरा दाल ढोकरी तो देना। अरे हाँ, हेतल कोकिला। जी बा। एक जरूरी बात बताना तुम्हें, भूल ही गई। कल मेरी सहेली धनाबेन अमेरिका से आने वाली है। उसके घर में तो मैं रुकी थी न्यूजर्सी में। हाँ बोलू, उसका घर देखने लायक है, हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। उसके घर का बगीचा तो इतना सुंदर लग रहा है कि मैं तो देखती रह गई। उसने अपने गाड़ी में मुझे पूरा शहर घुमाया था। कब आ रही है बोबा? काले सवारे, लेकिन उसके चाय और नाश्ते का बंदोबस्त कर लेना। हाँ, सब इंतजाम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उसको सबसे पहले तो इन दोनों को मिलना है। अरे वाह, फिर तो वो दिखाई भी मिलेगी, वो भी डॉलर्स में। फी, ये तो क्या कर रही है? राशि बेन, वो इनके लिए काढ़ा बना रही हूँ। अच्छा, मुझे लगा तो नाश्ते की चीजें तैयार कर रही है। राशि बेन, वो तो मैं कल ही बनाऊंगी। मैंने सोचा है जलेबी, फाफड़ा, ढोकला और खमन बनाऊंगी। ठीक है, तू ये सब बना ले, मैं सैंडविच और बर्गर बना लूंगी, क्योंकि धनाबेन अमेरिका से आने वाली है तो शायद उन्हें ये गुजराती चीजें पसंद ना आए। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ठीक है राशि बेन, हम दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी बना के रखेंगे, और जब आप सैंडविचेस बनाओगे आप मुझे बता देना, मैं आपकी मदद करूंगी। अब नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। राशि बेन, वो मेहमान है ना। गोपी, वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस यही कह रही हूँ, अहम जीजू की तबीयत ठीक नहीं है, तो तू बस उनका ध्यान रख, ये बाकी सारी चीजें मैं खुद कर लूंगी। और अगर फिर भी मुझे तेरी जरूरत पड़ी तो मैं तेरी मदद मांग लूंगी। कल धनाबेन का दिल तो मैं ही जीतूंगी। एमजी, मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा पी लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। गोपी, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो।
मॉम, मॉम मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब मॉम मुझे ऑफिस जाना है, आज मैं ऑफिस में कई जरूरी फैसले लेने। अहम, ये सब मुझे अपने ही सुनना है। तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने अपने कामों को मजाक समझकर घर के कामों को महत्व देने लगे। पर मॉम, मैं काम को कैसे मजाक? अहम, जब दूसरे काम तुमने इतनी आसानी से अपने हाथों में ले ही लिए हैं, तो इस्त्री कर दो इन कपड़ों को। सब अहम, ऑफिस के काम में तो तुम्हारा मन नहीं लगता, तो कम से कम घर के काम तो कर दो। मॉम, ये इस्त्री कर दो। जी मॉम। जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, इसे मैं कर देती हूँ। नहीं, वो मैं। अहम, ये कुछ और कपड़े हैं, इसे भी इस्त्री कर लो। जी, माँ जी लाइए, मैं कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, अहम को ही ये कपड़े इस्त्री करने हैं आज। अरे हाँ अहम, इस्त्री ध्यान से करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी गयो? जी। जी, मैं कर देती हूँ। नहीं गोपी, प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो मॉम और ज्यादा परेशान हो जाएगी। आपके और माँ जी के बीच में सब ठीक तो है? नहीं, मॉम मुझसे बहुत नाराज है। नाराज? लेकिन क्यों एमजी? क्योंकि मैंने अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए। पर
सिर्फ माजी को क्यों ऐसा लगता है? कल जब मिस्टर देसाई मीटिंग के लिए घर आए थे तब मैं घर पे नहीं था। हाँ, तो मैंने ही आपसे कहा था कि मैं गोपी, जो हुआ सो हुआ। मॉम को मुझसे बहुत उम्मीद थी, सच मैंने उनका दिल दुखाया है, गलती की है तो उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। मुझे अकेले छोड़ दो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम जाओ यहां से। मैं मॉम को और ज्यादा दुखी नहीं देख सकता। तुम जाओ यहां से।